तो गाइज वहाँ से मेरा बकरी निकल रहा है, वही छोटा सा गेट है और यहाँ पे आके ढुकेगा, अभी ढुका लेते हैं। तो गाइज अभी यहाँ पे चाबी लगा रहे हैं, ये हो चुका है ऑन, देखिए लाइट जल रहा है यहाँ, चुम्मा ले रहा है उसका, बहुत प्यार कर रही है इसे। तो चिड़ियाँ सब बहुत मस्त है, आप लोग देख लिए और मूसा भी देख लिए, वो देखिए पूरा वहाँ पे है, ये देखिए वहाँ पे चल गया पूरा। तो चलिए बाहर चलते हैं अब। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आप सब मस्त हैं तो हमारे वीडियो पे लाइक कर दें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मौसम बहुत ही मस्त है, प्यारा सा हवा चल रहा है और इधर देखिए पूरा बकत और मुर्गी सब यहाँ पे है डले का नीचे में, और बकरी सब वो देखिए उधर उस पार में चल रहा है और हम इधर तो मस्ती से, हवा मस्त चल रहा है, वाह नेचुरल हवा है। और ये देखिए बकत सब इधर पानी में है और हमारा टोक्यो देखिए वहाँ पे जा रहा है, और छोटा वाला भी है और बड़ा वाला का नाम है टोक्यो, ये देखिए दोनों लड़ रहा है मस्ती से और हम इधर क्या बात है आ चुके हैं। और ये देखिए बकत सब, और इधर आ गया है टोक्यो, ये देखिए बकत सब पूरा शोर कर रहा है, ब्लॉग बनाने के लिए नहीं दे रहा है। और मेरे पीछे देखिए कबूतर सब है, और कबूतर में ये लगाए थे कल ये वाला अंदर वाला, तो दिखाते हैं खोल के, ये सामने वाला लगा दिए हैं बॉक्स, इसमें आराम से अट जा रहा है, पहले ये वाला लगा हुआ था छोटा वाला तो ये अच्छा नहीं था, अभी ये वाला लगा दिए हैं पूरा मस्त दिखा रहा है, और कबूतर सब भी अंदर है। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर जाके मुर्गी का घर में, और अंडा भी है तो वो भी दिखाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों वहाँ पर देखिए कोने में चार अंडा है और मुर्गी इधर अंडे पर बैठा है, सेब रहा है। चिड़िया भी दिखाए थे और चिड़िया का घर बहुत गंदा था तो हमने साफ़ सफाई कर दिया, तो चलिए दिखाते हैं आपको चिड़िया का घर, और चिड़िया भी दिखाएंगे और मूसा भी दिखाएंगे, ये देखिए इधर मूसा है। ओ भाई हम ब्लॉग बनाते हैं और पूरा बकत चिल्लाने लगता है, वो सोच रहा है गेट खोला तो हमको खाना देगा। तो ये रहा चिड़िया, ये देखिए पूरा मस्ती से, और इधर भी है और इधर भी है, अभी दिखाते हैं मूसा अंदर चल गया है तो बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको मूसा। तो दोस्तों यहाँ पे है मूसा, ये देखिए इधर से निकल रहा है, तीन मूसा है और चिड़िया सब है, ये चू चू करता है तो बहुत मस्त लगता है सुनने में, बहुत ही प्यारा लगता है इसका आवाज़ सुनने में, चू चू करता है, तो जिसका भी घर में होगा तो आप लोग भी जानते होंगे कितना प्यारा होता है चिड़िया। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा चींटी हो गया है, ये देखिए, और ये सब बहुत काटता भी है, इस सबसे प्रॉब्लम होता है वो मूसे के लिए, मूसा आता है इधर चूहा उस सबको काटता है तो वो लोग फिर भाग जाता है, तो उसके लिए पाइप बना दिए हैं और उसका अंदर में रहता है। और अभी जो दिखाएँ आपको कबूतर, तो ये वाला सेटअप बनाए हैं कबूतर के लिए, तो वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे रख दिए हैं, वो ख़राब हो जाएगा तो फिर इसको लगा देंगे। चिड़िया सब बहुत मस्त है, आप लोग देख लिए और मूसा भी देख लिए, वो देखिए पूरा वहाँ पे है, ये देखिए वहाँ पे चल गया पूरा। तो चलिए बाहर चलते हैं अब। गाइज यहाँ पे है बकरी का बच्चा, ये देखिए वाह कितना मस्ती से बैठा हुआ है बकरी का बच्चा, ये देखिए खचे में बैठा हुआ है और बकरी को खेत तरफ भगा दिए हैं चरने के लिए, अभी मस्ती से बैठा हुआ है, तो चलिए खेत तरफ चलते हैं। हाय जी, ये देखिए रास्ता है, पतला सा बना हुआ रास्ता है, और ये देखिए पूरा खेत में जंगल ही जंगल है, तो इसी रास्ते से हम लोग जाते हैं और बकरी सब भी जाती है, ये देखिए पूरा इसे बना हुआ है, यहाँ से लेकर पूरा उधर है बकरी, तो अभी हम इधर हैं और मेरे पीछे देखिए पूरा जंगल ही जंगल है। गाइज फाइनली हम खेत में आ चुके हैं और ये देखिए बकरी सब कितना मस्ती से चर रही है,
फॉर्म का बगल में है नारियल का गाछ और आम का गाछ है, पूरा बगीचा है यहाँ वहाँ। और बकरी सब देखिए कितना मस्ती से चर रहा है, और हम भी इधर आ गए हैं। आज पूरा ठंडा ठंडा मौसम किया है, मस्त समय है आज। वाह कितना मस्त ठंडा लग रहा है, आज धूप भी उतना नहीं है, देख सकते हो बादल पूरा मेघ का अंदर में है। और हम लोग इधर खेत तरफ घूमने, यहाँ पे देखिए टोक्यो भी आ चुका है, मेरे पीछे पीछे आया वहाँ फॉर्म से भागते हुए, तो हमने पकड़ लिया है ये सिक्कड़ से, नहीं तो अभी वो उस पार चल जाएगा उस बगीचे में, इसलिए हम इधर पकड़ के रखे हैं। किस तरह कर रहा है ये चेक कीजिए, तो ये देखो वाह चुम्मा ले रहा है उसका, बहुत प्यार कर रही है इसे। हम लोग बहुत पीछे आ चुके हैं, देखिए मेरे साथ है टोक्यो और मेरा फॉर्म देखिए वहाँ पे है, वहाँ से हम लोग इधर आ चुके हैं घूमने के लिए। ये देखिए और देखिए यहाँ पे नारियल, वाह कितना मस्त नारियल है यहाँ पे। इधर से हम लोग आ चुके हैं और ये देखिए बकरी पूरा जंगल में घुस के चर रही है, अभी इधर बाहर था अभी वो जंगल में चर रही है। और ये दोनों देखिए, ये दोनों हर वक्त मस्ती करते हुए, वाह गले मिल रहा है, कभी चुम्मे ले रहा है, वाह क्या बात है। तो चलते हैं हम लोग फिर से फॉर्म की तरफ, अभी घूर फिर के उधर से आ गए हैं। गाइज ये चेक कीजिए कितना बड़ा नीम का पेड़ है, बहुत ही मस्त। और आज तो पूरा बादल ही बादल किया है और ठंडा ठंडा हवा है और धूप आता है, तो ये नीम का पेड़ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा तो लगता ही रहता है। हम उधर से ला के अभी यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ये देखिए सोचे बांध देंगे, बांधने के बाद नहीं दे रहा बांधने के लिए, तो छोड़ दिए हैं थोड़ा हवा लगाने के लिए। यहाँ पे बांधते हैं, छोटा सा घर है तो कितना टाइम बांध के रखेंगे, इसलिए वहाँ पे हम छोड़ दिए हैं। ये देखिए भाग रहा है, फिर से अभी चल जाएगा जंगल की तरफ। और ये कुछ दिन पहले यहाँ पे पूरा बारिश हुआ था, तो यहाँ से गेट से लेकर पूरा यहाँ तक पानी पानी था, और अभी भी पानी है उधर, ये चेक कीजिए। ये रहा ट्रैक्टर और उधर से चढ़ता है, अभी तो उल्टा लगा हुआ है, इधर से चढ़ने वाला है। और ये रहा स्टेयरिंग और ये रहा इसका गियर, चार गियर है और इधर है तीन गियर, ये न्यूट्रल है और ये लो है, ये हाई है, ये रिवर्स है पीछे, और ये लो लेवल में चलेगा, ये हाई लेवल में जो ज़्यादा स्पीड, ये थोड़ा सा कम स्पीड। तो ये है इसका गियर और ये रहा ब्रेक, ये है एक्सीलेटर और ये रहा इसका क्लच, और यहाँ पे लगाता है चाबी, तो निकालते हैं चाबी और लगाते हैं। तो गाइज अभी यहाँ पे चाबी लगा रहे हैं, ये हो चुका है ऑन, देखिए लाइट जल रहा है यहाँ पे, और ये है क्लच, तो इसको दबा के रखना है और चाबी को स्टार्ट करना है, तो घुमा देना थोड़ा। गाइस गाड़ी चालू हो गया है और यहाँ पे अभी न्यूट्रल है और इसको करेंगे एक नंबर, एक नंबर हो गया, और इसको थोड़ा तो रिवर्स करेंगे और थोड़ा ये इसका पीछे वाला उठा देंगे, तो गाइस उठा दिए और थोड़ा धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, उसके बाद गाड़ी पीछे जाएगा। तो ये है क्लच, इसको छोड़ने के बाद गाड़ी जाएगा, और ये है ब्रेक, और गाड़ी को बंद करना है तो इसको सिंपली खींच देना है। तो गाड़ी हो चुका है बंद, तो ये है गाड़ी पूरा ट्रैक्टर, अभी हम ट्रैक्टर चला लिए, और ये ट्रैक्टर है कुबेटा, ये है कुबेटा 4x4 यहाँ पे है, तो अभी इसको हम चला लिए। तो गाइज मेरे पीछे पीछे आ रहा है टोक्यो, और ये देखिए मुर्गी और बकस सब खा रही है यहाँ पे, और ये देखिए छोटा वाला यहाँ पे मस्ती से बैठा है, और ये आ गया फिर दोनों शरारत करने लग गया, ये देखिए, और यहाँ पे बकस सब खा रहा है, और बकस सब है पानी में, तो चलिए दिखाते हैं, अभी इधर से खा के और उधर जा रहा है पानी में अपना मस्ती करने, तो चलिए चलते हैं हम लोग भी।
गाइज यहाँ पे पूरा आ चुका है बकत, सब पानी में चल रहा है कितना मस्ती से, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बहुत ही मस्ती। वाह कितना मस्त हवा, और पूरा बादल करके रखा है, लग रहा है अंधेरा अंधेरा। तो देख सकते हो आप पूरा मौसम चेंज है, और ये देखिए कितना मस्ती से ये लोग चल रहा है। गाइज ये देखिए दोनों का हरकत, मेरे ऊपर चल रहा है पूरा। ओहो क्या कितना प्यारा, सबसे ज़्यादा ये छोटा वाला नादान है, बहुत परेशान करता है ये वाला छोटा वाला। ये देख सकते हो, ये देखिए कैसे काट रहा है इसका, ये देखिए। क्योंकि ये देखो शाम होने लगा, कुछ ही देर में शाम हो जाएगा, और ये देखिए पूरा आ गया गेट खोलते हुए, समझ गया कि हमको खाने के लिए देगा। तो यहाँ पे है चावल, ये रहा चावल, तो दे देते हैं इसको। तो चावल दे दिए हैं। तो यहाँ पे इतना ऊंचा है ये कबूतर का घर, और इसका घर के अंदर में देखिए क्या घुसा हुआ है, ये देखिए इसमें मुर्गी घुसा हुआ है, भाग गया वही वाला था। और इतना छोटा सा गेट है, और यहाँ से नीचे से उड़ के ऊपर कैसे जाके बैठता है, ये तो समझने का बात है गाइस। हमारा बकरी पूरा इधर आ चुका है, और वो छोटा सा गेट है वहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो आप कोने में, वहाँ से इन लोगों को निकालेंगे, काहे कि शाम हो चुका है तो अंदर कर देंगे थोड़ी देर में। गाइज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, अभी तक नहीं किए हैं तो आप जाके जल्द से जल्द कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह का डेली ब्लॉग आने वाला है, आप लोग देखिए और मज़े और इन्जॉय कीजिए। तो गाइज वहाँ से मेरा बकरी निकल रहा है, वही छोटा सा गेट है, और यहाँ पे आके ढुकेगा, अभी ढुका लेते हैं अंदर में, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइज बकरी अंदर हो चुका है, और दे दिए हैं थोड़ा बहुत गोभी का पत्ता है खाने के लिए, जो कि हम खरगोश के लिए लाते हैं गोभी का पत्ता है, तो थोड़ा इन लोग को भी दे दिए हैं। तो देख सकते हो आप मेरे पीछे ये लोग खा रहा है, आराम से खाएगा, और गेट बंद कर देंगे बाहर से, अभी ये सब अंदर में ही खाएगा रहेगा। गाइज फाइनली बकत अंदर हो चुका है, आप चेक ये चेक कीजिए, इसमें पूरा बकत है, ये रहा बकत। तो बकत अंदर हो चुका है, तो हमको गेट लगा देना है, गेट को लॉक कर दिए हैं, अब चलते हैं मुर्गी का घर लॉक कर देंगे, मुर्गी सारा अंदर हो चुका है। फाइनली मुर्गी भी अंदर हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ये रहा मुर्गी का घर, अंदर में है सारा मुर्गी, इधर पूरा ये रहा इतना मुर्गी, और इसको भी कर देते हैं लॉक, और कबूतर सब भी अंदर हो चुका है, तो कबूतर को भी लॉक कर देंगे। तो ये रहा गेट, तो इसको लॉक कर दिए, तो सारा अंदर हो चुका है, करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म। देख सकते हो पूरा शाम हो चुका है, पूरा मौसम, बेरा तो डूब चुका है, सूरज तो नहीं है, देख सकते हो आप, ये देखिए पूरा शाम हो चुका है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ठंडा तो आज ठंडा नहीं, हवा तो आज ठंडा ही, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है।